हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देख रहे हैं यूपी विकास सीएससी चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधार डाउनलोड के बारे में। दोस्तों, आपका आधार खो गया है, टूट गया है, आप अपना आधार नंबर भूल चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ भूल चुके हैं, दोस्तों आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आज बताया जाएगा आप अपने नाम से ही आधार कार्ड अपने फ़ोन से डाउनलोड बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, हमें गूगल के क्रोम ब्राउज़र में टाइप करना है UIDAIGOV.in। दोस्तों, ये आधार कार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। दोस्तों, आपको इंटर प्रेस करना है और हमें माई आधार में जाना है। जैसे ही दोस्तों आप माई आधार में के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों, यहाँ पे हमें डाउनलोड आधार के ऑप्शन पे जाना है। दोस्तों, यहाँ पे हमें वेलकम टू माई आधार का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे हमें रिसीव EID आधार नंबर का एक ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। हमें दोस्तों यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, या दोस्तों आपका मोबाइल नंबर नहीं लिंक है, आपका जीमेल आईडी लिंक है, दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर छोड़कर जीमेल आईडी भी डाल सकते हैं। फिर दोस्तों अपना कैप्चा फिल करेंगे, फिर उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, चलिए दोस्तों फिल कर लेते हैं। दोस्तों, आपके आधार में दो कंडीशन होनी चाहिए, या तो आपका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर हो, या तो दोस्तों आपका जीमेल आईडी रजिस्टर हो, तभी दोस्तों आप अपना आधार कार्ड नाम से डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, चलिए अपना कैप्चा फिल कर देते हैं और सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अपना कैप्चा फिल कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे फ़ोन पर ओटीपी भेज दिया गया है। दोस्तों, हमारे फ़ोन पर ओटीपी प्राप्त हो चुका है, हमें यहाँ पे ओटीपी डालना है। चलिए दोस्तों ओटीपी फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका लास्ट चार डिजिट आधार का शो होगा और आपके फ़ोन पे या जीमेल आईडी पे आपका 12 अंक का आधार नंबर सेंड कर दिया जाता है। दोस्तों, आपने फ़ोन के इनबॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे अपना 12 अंक का आधार नंबर देख लेते हैं। दोस्तों, फिर दोस्तों हमें फिर वापस जाना है अपने माई आधार और डाउनलोड आधार के ऑप्शन पे। दोस्तों, यहाँ पे हमें डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर डालना है, जो दोस्तों हमें आपके फ़ोन पे आधार नंबर पहुँच चुका है। दोस्तों, यहाँ अपना आधार नंबर फिल कर लेते हैं और कैप्चा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, रिफ्रेश कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कैप्चा बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहता है, दिक्कत होता है। चलिए दोस्तों फिल कर लेते हैं और सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, फिर से आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड हो गया है। यहाँ पे ओटीपी नंबर डालेंगे। चलिए दोस्तों, ओटीपी हमारे फ़ोन पे आ चुका है, यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं और वेरीफाई एज आधार डाउनलोड पर क्लिक करना है। दोस्तों, कुछ प्रोसेस ले रहा है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों, हमें इसे शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे सामने हमारा PDF दिखाई देता है, हमें PDF को ओपन करना है। आपको इस प्रकार का PDF देखने को मिलेगा। दोस्तों, PDF को ओपन करेंगे। जैसे ही दोस्तों PDF को ओपन करेंगे, हमसे उस पासवर्ड मांगा जाएगा। दोस्तों, आप अगर आधार में
आपके पीडीएफ में क्या पासवर्ड लगता है आपको नहीं पता है दोस्तों, हम आपको कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे मान चलिए यहाँ पे सुरेश कुमार, एग्जांपल के तौर पे जैसे दोस्तों किसी का नाम सुरेश कुमार है और उसका DOB दीजिएगा दोस्तों 1/1/2002 है, सॉरी दोस्तों 1/1/2002 है, तो इस दोस्तों इसका पासवर्ड बनेगा सुरेश कुमार का फर्स्ट 4 डिजिट आपको कैपिटल लेना है दोस्तों, और आधार का आपको ईयर लेना है दोस्तों, यही आपका आधार का पासवर्ड बनेगा। और दोस्तों आप आधार ओपन कर पाएंगे दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।